शुरू हो गई तैयारी 4 मार्च 2023 की। दोस्तों अगर आपको भी 2023 में 4 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने जाना है तो आज की इस वीडियो से 70 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। बस इन प्रश्नों को याद करके जाना, 100% गारंटी लेता हूं यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब मैं ऐसा क्यों 100% गारंटी कैसे ले रहा हूं दोस्तों, ये जो प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन बैंक या फिर बुक से उठाकर आपको नहीं दिया जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और पिछले सालों के कई पेपर सेट को उठाया। ऐसा नहीं सिर्फ अपने जिले का सेट को उठाया, कई जिलों का सेट लाया, फिर वहां से क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 100% गारंटी लेता हूं यही प्रश्न आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं किसी एक क्वेश्चन बैंक से नहीं लिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे मॉडल पेपर और 7 सेट पेपर को देखने के बाद आज की ये वीडियो बना रहा हूं। पूरी रात आगने के बाद आज की ये वीडियो बन रही है दोस्तों। 10 से 15 मिनट की आज की ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो 70 नंबर बिल्कुल आपका पक्का होगा और 4 मार्च को सब धुआं धुआं करके आओगे, ठीक है। अगर अब की बार आपका टारगेट है 95% लाना तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। आज की ये वीडियो जो भी बच्चा अंत तक देख लेगा, लास्ट तक देख लेगा, उसका केमिस्ट्री में 70 नंबर जरूर आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंग्लिश मीडियम वाले भी आज की इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न उनको तैयार करना है ताकि 4 मार्च को केमिस्ट्री के पेपर में 70 नंबर उनका पक्का हो सके। दोस्तों रात भर जागने के बाद आज की 20 मिनट की वीडियो मैं आपके सामने दे रहा हूं, 15 से 20 मिनट की वीडियो आपको दे रहा हूं। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि रात भर जागने के बाद आंखों में दर्द बहुत है, लेकिन उस दर्द को खत्म करने के लिए अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मेरी आंखों का दर्द अपने आप चला जाएगा दोस्त। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी मोटिवेशन लाइन से करने जा रहा हूँ जो आपके अंदर आग लगा सकती है। क्या है? आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। क्या? आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, ये वक्त कुछ कर दिखाने का है, इसे खोना नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सबसे पहले क्या तैयार करना है, शुरू से आप तैयार करते चलिए ताकि आपकी तैयारी कम समय में अच्छी हो सके। देखिए सबसे पहले आप फ्रेंकल दोष तथा शॉटकी दोष को तैयार कर लीजिए, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। तो इसको आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष। उसके बाद आपको क्या तैयार करना है, ध्यान से समझना, मोललता, मोलरता और नॉर्मलता, इन तीनों को आपको तैयार करना है। यहां से आपके 2 नंबर के न्यूमेरिकल लगभग लगभग हर साल पूछे जाते हैं, कहां से, मोललता, मोलरता और नॉर्मलता, ठीक है, मोलेरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो आपको इनको तैयार करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? मोललता, मोलरता और नॉर्मलता, इनको तीनों को आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वह आता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको आपको तैयार करके जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ये आपके सालों, ये आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। क्या है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी, तो इसे आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है अभिक्रिया की कोटि, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, अभिक्रिया की कोटि, रेट ऑफ रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहां से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसकी परिभाषा भी आपसे पूछ जा सकता है दोस्तों। 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन ये आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आपकी बात देखने को मिलेंगे अभिक्रिया की कोटि से, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्वर्ण संख्या, अपोहन, ब्राउनी गति, पेप्टीकरण। दोस्तों जो कमजोर छात्र हैं, ध्यान दीजिए, जो कमजोर छात्र हैं इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर पाएंगे। क्या है? स्वर्ण संख्या, अपोहन, ब्राउनी गति और पेप्टीकरण, दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है, ये आपसे 2 से 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं और ये आपसे 5 से 7 नंबर में भी पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? अगर
इसकी सिर्फ इसकी परिभाषा पूछेगा तो आपको 2 से 3 नंबर में लिखने होगा। लेकिन कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए इन पांचों को एक साथ दे देता है कि निम्नलिखित की टिप्पणी, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो आप अगर तैयार करेंगे रहेंगे तो आपका 7 नंबर भी पक्का हो सकता है और 3 नंबर भी। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। क्या है? स्वर्ण संख्या अपोहन ब्राउनी गति पेप्टिकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड नंबर डायलिसिस, ब्राउनियन मोशन और पेप्टिजेशन। ठीक है दोस्तों, टिप्पणी लिखने वाले में भी एक और है। क्या है? टिंडल प्रभाव, हार्डी सुलजे नियम, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? टिंडल इफेक्ट, हार्डी सुलजे रूल, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, टिंडल प्रभाव और हार्डी सुलजे नियम। अब देखिए रिएक्शन वाला चीज आता है। क्या है? राइमर टीमन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइमर टीमन रिएक्शन, तो आपको इसको तैयार करके जाना है। लगभग लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। और देखिए कार्बिल यमीन अभिक्रिया, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? कार्बिल यमीन अभिक्रिया, यानी कार्बिल यमीन रिएक्शन, तो आपको इसको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है स्मिट अभिक्रिया, स्मिट रिएक्शन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको नहीं छोड़ना है, तैयार करके जाना है। दोस्तों देखिए वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया, ल्यूकास परीक्षण, कोल्बो अभिक्रिया, कैनिजारो की विधि। क्या है? उल्टस फिटिंग रिएक्शन, ल्यूकास परीक्षण, कोल्बो रिएक्शन, मेथड्स ऑफ कैनिजारो। ठीक है, देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, देखिए राइमर टीमन अभिक्रिया, कार्बिल यमीन अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, उल्टस फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, ये पांचों कभी कभी क्या होता है टिप्पणी लिखने के लिए इन पर भी दे देता है। तो अगर आप इन सभी रिएक्शन को तैयार करे रहेंगे ना, तो देखिए यहां से आपका 7 नंबर 5 से 7 नंबर भी पक्का हो जाएगा और 3 से 4 नंबर भी पक्का हो जाएगा। तो आपको इनको एक भी नहीं छोड़ना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में देखे जाते हैं कौन कौन से हैं, कैनिजारो की विधि, कोल्बो अभिक्रिया, ल्यूकास परीक्षण, रोटर स्विटिंग अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया और कार्बिल यमीन अभिक्रिया, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है दोस्तों, ये 5 नंबर में लगभग आपकी साल आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी से बोलता हूं ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हम जल्द आपको देंगे। ठीक है, देखिए हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, इसका सचित्र वर्णन आपको करने के लिए आता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, यानी हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाई जाती है, इसको सचित्र और इसका वर्णन, इसको सचित्र में आपको बताना है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है। अमोनिया बाय हैबर्स मेथोड, इसका फिगर भी आपको बनाना है, चित्र सहित आपको इसे समझाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेंगे। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, इन सभी क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करके चलना है, यही आपके बोर्ड एग्जाम में अबकी बार आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्लोरोबेंजीन तैयार कर लेना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन को आपको तैयार करके जाना है, बहुत ही सालों से आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। और उसके बाद देखिए एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल का वर्गीकरण आपको तैयार करके जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे प्रश्न आता है एल्कोहल। और उसके बाद देखिए फिनॉल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिनॉल का वर्गीकरण, फिनॉल क्या होता है, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, बात समझ रहे हैं। ठीक है, फिनॉल एल्कोहल का वर्गीकरण, फिनॉल का वर्गीकरण और ईथर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? ईथर का वर्गीकरण। और देखिए
ईथर का नामकरण, नेम ऑफ ईथर, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईथर का वर्गीकरण और नामकरण दोनों आपको तैयार करके जाना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए यथिल एमीन बनाने की विधि, मेथोड्स ऑफ एथिल एमीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है दोस्तों? यथिल एमीन बनाने की विधि, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लेना है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद देखिए डाइसैकेराइड पॉलीसेकेराइड एंजाइम और विटामिन, इन सब चीजों को आपको पढ़कर जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 4 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखने को मिलेंगे? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब को आपको तैयार करके जाना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार करके जाते हो तो बहुत से नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद अब आपको क्या तैयार करना है दोस्तों, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या आता है ध्यान से समझना, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, मेथोड्स ऑफ फॉर्मिक एसिड प्रिपेयर इन लैब, यानी प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाया जाता है इसकी विधि का आपको वर्णन करना है, ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको इसको तैयार करके जाना है, क्या है? फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या है? शीश कक्ष विधि द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बाय लेड चैम्बर मेथोड, ठीक है। शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, हो सकता है 16 मार्च को ये आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। इसकी 100% गारंटी मैं ले सकता हूं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अपने बुक से अपने दिमाग से नहीं बताया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद तब बनाया, ठीक है। तो आपको शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू ओजोन गैस का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रिपेयर ओजोन गैस, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ओजोन गैस का निर्माण कैसे किया जाता है ये भी 8 नंबर का, ये भी 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हेनरी का नियम, राउल का नियम, ये शुरुआत में आपको तैयार करना है बिलियन चैप्टर से, मैं भूल गया शुरुआत में लिखना, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? हेनरी का नियम और राउल का नियम। अब देखिए अब 2 टॉपिक्स आपके पास अभी बचते हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है, वरना 10 से 15 नंबर आपका छूट जाएगा। क्या तैयार करना है? क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इसमें रिएक्शन आपको तैयार करना है, इसकी एक प्रॉपर वीडियो हम आपको बना कर देंगे, जहां से आप उन रिएक्शन को अगर तैयार कर लेते हो, उन रिएक्शन को अगर तैयार करके जाते हो, तो ये वाला टॉपिक आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्या होता है जब, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या होता है जब, इसका रिएक्शन आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। और देखिए कैसे प्राप्त करोगे, इसका भी आपको रिएक्शन तैयार कर लेना है, कि कैसे प्राप्त करोगे इसका भी आपको रिएक्शन तैयार कर लेना है, इसका भी हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर देंगे, जिसमें आप सिर्फ वीडियो अगर देख लोगे फिर भी ये आपके 90% तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की ये वीडियो मैंने आपको इसकी 70% गारंटी लेता हूं, बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप 70% की गारंटी लेते हो, क्या ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे? तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, दिन में 10 वीडियो देने से अच्छा है, ठीक है। क्या? दिन में 10 वीडियो देने से अच्छा है आपको एक ऐसी वीडियो दी जाए जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं सिर्फ मैं आपको ऐसे क्वेश्चन में बझाता चलूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए ही ना, तो मैं एक वीडियो बनाने की वीडियो मैं ऐसे नहीं बना दे रहा हूं, ऐसे नहीं सिर्फ आधे एक घंटा आपके लिए ये वीडियो लिखा, क्वेश्चन को लिखा क्वेश्चन बैंक से, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं, ऐसा नहीं। देखिए इस वीडियो को बनाने के लिए पूरी रात भर जागने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, फिर मैं 70% गारंटी लेता हूं दोस्तों। देखिए कलम कैसे टूट गई, ठीक है, अभी आपको दिखाता हूं। देखिए इसकी 70% गारंटी मैं क्यों लेता हूं, देखिए क्या होता है,
कि मैं इसको लिखने के लिए, इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मॉडल पेपर को लेता हूं जो यूपी बोर्ड ने जारी किया, ठीक है, मॉडल पेपर, फिर क्वेश्चन पेपर, पिछले 5 सालों की सभी क्वेश्चन पेपर को मैं रखा हूं और सभी को लेता हूं, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर। ऐसा नहीं मैं अंबेडकर नगर जिले से बिलोंग करता हूं, ऐसा नहीं सिर्फ अंबेडकर नगर का ही क्वेश्चन पेपर मेरे पास होता है, बहुत से जिलों का स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर है, था मेरे पास 2022 का, तो 2022 के कई जिलों के क्वेश्चन पेपर को हमने अब की बार अपने पास मंगाया है। अब उन क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर को और अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक जो मिलता है जिसमें अनसॉल्व पेपर होता है, उस पेपर को देखने के बाद तब आपके सामने ये वीडियो आई है। अब आपको दिमाग लगाना है कि आपका पेपर कैसे बनता है, मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर आप गारंटी कैसे ले सकते हो, ठीक है। देखिए, जो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर बनाता है वो पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को उठाता है, पिछले 5 प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपर को उठाता है और आपका सिलेबस देखता है कि आपके सिलेबस में आपकी बार क्या कटा है क्या नहीं कटा, उसको देखता है, फिर क्या करता है, ठीक है, मॉडल पेपर देखता है, उसके बाद मॉडल पेपर देखता है जो अब की साल उसने लॉन्च किया, जैसे 2023 का मॉडल पेपर आया, सबसे पहले वो प्रीवियस 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को लेगा, फिर मॉडल पेपर को, फिर क्या करेगा, फिर तीनों को उसको एनालाइज करेगा, यानी तीनों के क्वेश्चन को मैच कराएगा। तो सबसे पहले क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 70% सेलेक्ट करता है। मेरी बातों को गौर से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं वह 70% होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, यानी हर साल वो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करके 70-75% गेन करते हैं। और देखिए, उसके बाद 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही डिफिकल्टी होते हैं, ठीक है, जिनको बहुत ही कम स्टूडेंट फाइंड कर पाते हैं, जिनको बहुत ही कम स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन अच्छे से कर लेते हैं, जो कि 90% वाले होते हैं। अब जिनका परसेंटेज 90-95% के बीच में होता है, तो 10% ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल हार्ड और नए क्वेश्चन होते हैं। जो टॉपर होता है उसी का 95% कैसे आता है, देखिए, अब वह ऐसा नहीं टाइम टेबल आया तब पढ़ाई शुरू करके वह 95% लाया है। कोई भी बच्चा या भी टीचर अगर परीक्षा दे तो वो भी 95% नहीं ला सकता। 95% जो भी स्टूडेंट लाते हैं वह शुरू से अपनी तैयारी को करते हैं। हाँ, आपको अगर 80 से, ठीक है, 70-90 के बीच में लाना है, तो मैं जो चीजें आपको बताता हूं उसे अगर आप पढ़ लेते हो तो आप 90% वाकई ला सकते हो। और आप अगर अभी तक थोड़ा बहुत पढ़े हो फिर भी इन चीजों को तैयार करके और प्रैक्टिस करके आप 90-95% फोड़ सकते हो, ठीक है। तो आज की ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो थी। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाते हो जो आज की इस वीडियो में मैंने बताया, तो 100% गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।